अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आलराजी सेविंग अकाउंट का प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ। और मेरा अकाउंट, मेरे ग्रुप में जितने सारे भाई है सबको मालूम है मेरा अकाउंट आलराजी अकाउंट में 6,600 रियाल फंसा हुआ है। मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, और अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहा है, कैसे खुलना है, ये गठिया जो अभी प्राइवेसी पॉलिसी आया है हम खारजियों के लिए, यह थोड़ा बताने वाला हूँ। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं है कि पहले सजा के लिख के वो रीडिंग करके आप लोगों को बताना है, ऐसा नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरे साथ जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, मेरा दोस्तों के साथ भी हुआ है ऐसे ब्लॉक हुआ है। ब्लॉक और अपडेट दो चीज़ है। मेरे ग्रुप में बहुत सारे भाई मुझे बोला है अच्छी बात है कि आप ऐसे ऐसे करो, बैंक में जाओ खुल जाएगा, लेकिन किसी को तो पता नहीं है इस प्राइवेसी, न्यू प्राइवेसी जो है। पहले तो अकाउंट ऑनलाइन खुल जाता था, अभी ऑनलाइन भी नहीं खुल रहा है। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे भाई, अगर आप किसी का पैसे इंडिया पाकिस्तान भेज रहा है, थोड़ा कमीशन लेके कि 1,000 रियाल भेजूंगा, मुझे 10-20 रियाल दो, तो आप अलराजी अकाउंट इस्तेमाल ना करें। या आप कुछ वीपीएन वीपीएन बेच रहे हैं कहीं से भी, मतलब आपका पैसे आ रहा है, ट्रांजैक्शन डेली आ रहा है कुछ ना कुछ। मेरा तो थोड़ा ज़्यादा आया है, मेरा ब्लॉक लास्ट ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक तीन किस्म का है, 46, 47, 48 ब्लॉक, मेरा 48 लग गया है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अलराजी इस्तेमाल ना करें, आप वॉलेट इस्तेमाल करें, URPay या STC पे। अभी कुछ भाई कहेंगे कि URPay भी तो अलराजी का है। नहीं, अलराजी का नहीं है, URPay का कंपनी अलग है, अलराजी के साथ कॉन्टेक्ट है वो जो भी है। तो वॉलेट, ये तो वॉलेट, वो भी वॉलेट, नाम एक ही है। वॉलेट का मतलब ही है आपको कुछ दूर रियल ट्रांजेक्शन, मतलब आप कहीं कुछ बकाला में गया, इधर उधर गया है, आपको वॉलेट, ये वॉलेट, वो वॉलेट से आपको पैसे देना लेना, वो मुश्किल नहीं। इसमें लिमिट है, वॉलेट का लिमिट STC पे, URPay 20,000 रियाल, 20,000 रियाल आ सकता है, 20,000 रियाल जा सकता है। लेकिन अलराजी का जो प्राइवेसी है वो बहुत घटिया प्राइवेसी हम खारजियों के लिए। यहाँ के लोग, हम खारजियों को ऐसे सोचते हैं कि ऐसे घुमाते हैं, अगर आपका खुदा ना करे आपका अकाउंट ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ और ब्लॉक नहीं हुआ है तो आप बच गया है, अभी से आप होशियार हो जाए, सेफ हो जाए। तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया 5,600 रियाल, और ये खुलने के लिए बहुत कोशिश किया, फिर लास्ट में ये खुला नहीं। और मैंने ये अकाउंट क्लोज करने के लिए एक एफिडेविट और क्लोज अकाउंट का फॉर्म भर के ब्रांच में दिया है अलराजी का, और वो 8 दिन बाद रिव्यू होके वापस आया, कहा कि नहीं, आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा जब तक आपने ये अकाउंट अनब्लॉक नहीं किया है। तो ये अनब्लॉक करने के लिए प्रोसेस किया है। अनब्लॉक करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस वो है आपका सैलरी एग्रीमेंट, आपका सैलरी कितना है, 1,500 रियाल सैलरी है, आपका पैसे कितना आया है। दूसरी बात यह है आपका कफील का, आपका कफील का जो है एड्रेस, आपका पूरा डॉक्यूमेंट और एफिडेविट जो है, ये जितने सारे लोगों ने पैसे कहाँ से, ये मेन टॉपिक है कि इतने लोग पैसे कहाँ से क्यों दिया है आपको, और इसके साथ आप लोगों का लेना देना क्या है, वो सब आप एफिडेविट में भरना है। अभी आपने VPN बेचा, इन लोगों का पैसे भेजा है इंडिया पाकिस्तान में, किया 2,000 रियाल भेजा है, आपने 30 रियाल खाया है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो वो सारे लोग आप इकट्ठा कैसे करोगे कि इतने सारे लोग, उन लोग, वो लोग किस लिए पैसे भेजे, ये मुंह से नहीं बोलना, एफिडेविट में उन लोगों का एड्रेस और ये लोग इसलिए इतने सारे पैसे भेजा, ये सब जितना ट्रांजेक्शन हुआ वो सब लिख के एफिडेविट फॉर्म भर के आपको देना है, उसके बाद ही जाके आपका अलराजी अकाउंट ओपन होगा और आपका कफील खुलवा सकता है। लेकिन कफील का भी प्रॉब्लम आएगा, अगर आपका कफील ने बोलेगा कि हाँ ये मेरा आमेल का अकाउंट, ये मेरा लेबर का अकाउंट, इसका अकाउंट से मैंने पैसे मंगवाया, तो कफील को पकड़ेगा। तुम्हारा मुआसा है, तुम टैक्स ना देने की वजह से तुम दूसरों के अकाउंट से पैसे मंगवा रहे हैं, तुम्हारी लेबर के अकाउंट से, तो उसका भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसका हाल नहीं है भाई साहब, आप इकट्ठा कर पाओगे कि हाँ इन लोगों ने इसलिए पैसे भेजा है, वो एफिडेविट भर पाओगे तो जाके आपका अकाउंट अनब्लॉक होगा। और ये मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, जो हुआ है वो बता रहा हूँ, मेरा सब दोस्तों का भी, जितनों का पैसे आ रहा था सबका ब्लॉक हो गया। तो वॉलेट यूज़ करें भाई, मेरे भाइयों वॉलेट यूज़ करो, आपका अकाउंट ब्लॉक होने से बचाओ। और यहाँ का जो सेविंग, ये सेविंग अकाउंट होता है हमारे इंडिया में, जैसे स्टेट बैंक मेन है, यहाँ पे अलराजी मेन है, आप कुछ भी करने जाओ अलराजी अकाउंट की ज़रूरत है, और ये सेविंग है और वो वॉलेट है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको अलराजी
अलराजी से QRP में कुछ भेजना, पैसे उससे ट्रांजैक्शन करना नहीं आता है, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, देख लीजिए। और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कीजिए, और अपना अलराजी अकाउंट ब्लॉक होने से बचाए। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये थोड़ी बात आप समझ लीजिए तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। और सऊदी अरब के लोग आपको हर चीज़ में अलग रखेंगे, सिर्फ नमाज पढ़ने के टाइम सऊदियों का पास बैठ के नमाज पढ़ सकते हो, और कुछ भी नहीं है। आपका काम और उन लोगों का काम, आपका 6 घंटा 12 घंटा होगा, उन लोगों का 6 घंटा होगा सेम काम। और इन लोगों के साथ आप खाना खाने बैठो, ऐसे 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 करेंगे कि ये आमिल के साथ बैठ के खाना खा रहा है। ये मेरी मुँह की बात नहीं है, आप अंदाज़ा लगाइए। और खुश रखिए, खुश रहिए, खुदा हाफिज़। और मेरी वीडियो में कोई बातों में गलती हो सकता है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, पहले बताया, लिख के वो रीडिंग करके बोलने वाला नहीं हूँ, हो सकता है बातों में थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो गया, आप थोड़ा सुन के आप खुद समझ लीजिए। थैंक यू।